लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। मुझको पिया ने देख लिया हार धोखे से। इस सीन में महारानी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन अचानक पीछे से आके हमला कर देती है। मैं इस औरत से ही सब कुछ सिखाऊं। महारानी जब पहले सिपाही को मारती है तब दूसरे सिपाही के पास काफी टाइम था हमला करने के लिए, लेकिन नहीं, उसको तो मार खाने के ही पैसे मिले थे। इस सीन में पानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक सीन बदलता है, जगह बदलती है और ये लो मोहतरमा भी फिसल गई। अभी पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी पकड़ती है पानी का बहाव रिवर्स हो जाता है। अब समझे आप लोग, ये कोई लकड़ी नहीं, ये पानी की दिशा बदलने का गियर है। ये महारानी हाथ तो ऐसे उठा रही है जैसे कि सब्जी बेचने आई है। ये बच्चा ले लो, बड़ा होके महाराजा बनेगा, आपको माला बल कर देगा। अब देखिए ये लोग जंगल में खड़े है और पानी बहुत तेजी से बह रहा है, फिर भी इतनी तेज आवाज में इन लोगों को बच्चे के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। अगर ये बच्चे को बचा सकता है तो महारानी का हाथ भी पकड़ लेता, वो भी बच जाती। कद्दू कहीं का, ये कद्दू पानी के बाहर आ चुका है, फिर भी ये तीन तरबूज उसे खींच रहे है। कोई बंदा कैसे बिना रनिंग किए इतनी दूर तक जंप लगा सकता है? लेकिन हमारा शिवा कुछ भी कर सकता है, वो तो बैठे बैठे भी जंप लगा लेगा। इन लोगों का कहना है कि शिवा यहाँ से करीबन 100 बार गिर चुका है, लेकिन उसे आज तक एक भी खरोट नहीं आई। लगता है शिवा बॉनविटा पीता है। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें, तो शिवा का लेफ्ट पैर पानी में गिरता है, लेकिन शिवा जब पैर उठाता है तो राइट होता है। अगर इस पानी के रिफ्लेक्शन में देखे तो शिवलिंग शिवा के लेफ्ट कंधे पर है, लेकिन अगले सीन में शिवलिंग को राइट कंधे पर दिखाया गया है। तो शिवा ने ये असंभव दिखने वाला काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? शिवा को कैसे पता चला कि ये मांस लड़की का ही है? किसी लड़के का भी हो सकता था। अवंतिका सिर्फ अपना पंजा ही पानी के अंदर डालती है, लेकिन पानी के अंदर उसका पूरा हाथ दिखाया गया है। शिवा ने बिना किसी कलर का इस्तेमाल किए पानी के अंदर अवंतिका के हाथ पर ऐसा टैटू कैसे बना लिया? अब ये मैडम को तब तक उस टैटू का पता नहीं चलता जब तक ये भाई साहब उसे बताते नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि अवंतिका ने पूरे दिन अपना हाथ ही ना देखा हो? न जाने ये कितने सालों से लकड़ी इकट्ठा कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सिर्फ लकड़ी ही है, एक भी पत्ता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पेड़ हो लेकिन पत्ते ना हो? अवंतिका जब पेड़ पर बैठकर शिवा का इंतजार करती है तो शिवा ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ था। अगर शिवा ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ था तो अवंतिका को दिखना ही चाहिए। अगर इस सीन में देखे तो शिवा पेड़ पर नहीं है, इसका मतलब यह है कि शिवा पेड़ पर अवंतिका के बाद आया है। अगर ऐसा है तो अवंतिका को शिवा दिखना ही चाहिए। इस सीन में अवंतिका के कपड़े फटे हुए नहीं होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में अवंतिका के कपड़े फटे हुए होते हैं ताकि शिवा उसे आसानी से निकाल सके। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अवंतिका के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन अचानक पीछे एक गांठ आ जाती है ताकि उसे वो खोल सके। ये बंदा अवंतिका के राइट हैंड पर यह चीज बांधता है, लेकिन इस सीन में अवंतिका के लेफ्ट हैंड पर यह चीज बंधी हुई होती है। अगर ये लोग इतनी बड़ी प्रतिमा को खींच रहे हैं तो ये रस्सी टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं। ये दोनों करीबन आधे घंटे से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, फिर भी कटप्पा को शिवा का फेस नहीं दिख रहा है। और जब कटप्पा को शिवा का फेस दिखता है तब कटप्पा के होश उड़ जाते हैं। ये राजमाता का चाकू और ये बल्लाल देव की कुल्हाड़ी पता नहीं कहाँ से निकल आती है। मैं कहीं से भी निकालू, तेरे को क्या? आबे, तेरे को क्या? इतनी बड़ी चैन ये छोटे से हैंडल में कैसे समझ आती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये लड़ाई राजमहल से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर हो रही है, फिर भी वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतनी दूर से साफ साफ देख पाना असंभव है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना भी असंभव है। बाहुबली बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने होमवर्क दिया है, और होमवर्क ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।